हाय एवरीवन, स्वागत है सबको फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज आपको मैं एक प्रॉब्लम के बारे में बात करूंगा जो टाटा इंडिगो विस्टा में ये प्रॉब्लम आती है कि इसका जो दोस्तों एक्सेलरेशन है वो ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है, चाहे आपके पास टाटा इंडिका हो, इंडिगो या टाटा विस्टा हो। तीनों गाड़ियों में क्या होता है, इसका जो एक्सेलरेशन है वो कुछ गाड़ी ऐसे जिनमें ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों, इसका सोल्यूशन मैं आज आपको बताऊंगा कैसे इसको ठीक करना है अपनी घर पे। तो फिलहाल ये जो मेरा इंडिका है दोस्तों, इसमें भी ये प्रॉब्लम कभी कभी आता है, फिर मैं खुद इसको ठीक करता हूँ, ठीक है। तो इसका एक ही कारण है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। यह देखिए, तो ये प्रॉब्लम आते कहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ। मान लो आप गाड़ी को लॉन्ग ड्राइव पर चला रहे हैं, तो लॉन्ग ड्राइव में चलने के बाद ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। तो इसका जो सॉल्यूशन है मैं आपको भी बताता हूँ। यहाँ देखिए, ये जो आप देख सकते हैं, इधर एक नाट, यह एक नाट और यह एक नाट है, ठीक है। आपको क्या करना है, एक नाट को लूज़ कर देना है। इधर देखिए, एक को मैंने लूज़ किया है। तो आपको क्या करना है, ये जो आप देख सकते हैं, इसमें एक को लूज़ करना है, ये जो देख सकते हैं, इसको लूज़ करने के लिए आपको 12 नंबर वाला रेंच चाहिए। और इसको लूज़ करने के बाद आपको यह आना है, उसके बाद यह देखिए, ये जो आप लंबा बोल्ट देख सकते हैं, इसको भी थोड़ा लूज़ करना होगा। और पहले आपको ये जो बोल्ट देख सकते हैं, ये 10 नंबर वाला बोल्ट है, इसको पहले लूज़ करिए। और फिर ये जो देख सकते हैं, इसको 14-15 नंबर वाला रेंच चाहिए। आपको ऐसा एक रेंच चाहिए, यह देखिए ऐसा, जो इसके अंदर आराम से घुस जाए। फिर आप इसको थोड़ा लेफ़्ट साइड में करिए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप इसको थोड़ा एडजस्ट करना होगा, ये जो लीवर है इसको थोड़ा फ्री करना है, क्योंकि ये अगर ज़्यादा राइट साइड में आ गया तो गाड़ी में क्या होता है, कभी कभी इसका आरपीएम हाई हो जाता है। तो इसको हम पूरा फ्री कर देंगे, इस बोल्ट को थोड़ा लूज़ करके इसको थोड़ा लेफ्ट साइड में करेंगे, गाड़ी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आपको बता रहा हूँ। और अगर आपकी गाड़ी में ऐसा प्रॉब्लम है तो आप इसको ऐसे ही एडजस्ट करिए। तो अगर आपकी गाड़ी में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है तो आप लोग इसमें हाथ मत दीजिए, ठीक है। इंडिका इंडिगो को ऐसा ही चलाना होता है। मेरी गाड़ी में मैंने इसको पूरा लूज़ किया है, और अभी मेरी गाड़ी का जो दोस्तों एक्सेलरेशन है वो हाई नहीं होता, ये पूरा नॉर्मल है। जितना भी गाड़ी हीट हो जाए तो भी गाड़ी में ये ऐसा दिक्कत नहीं आता। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।